ओ माय बेबी, गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? गुड मॉर्निंग मेरी जान। वो मैं कह रहा था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाओगे? इसका क्या मतलब है? हाँ आने वाला था बेबी, पर ऑफिस का कुछ जरूरी काम था तो बॉस ने कहा कि मुझे और 2 दिन यहीं रुकना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर अनुराग। एक तो महीने भर घर से दूर रहते हो और अब कह रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तुम्हें तो बीवी की फिक्र ही नहीं है। जो आपसे मुझे कॉल मत करो। अनुराग, तुम तो नहीं आने वाले थे, अब कैसे आ गए? नहीं मेरी जान, सरप्राइज दे रहा था तुम्हें। ये खुशी जो देखनी थी तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा, वो नॉटी। अच्छा अब अंदर आ जाओ या यहीं खड़े रहने दोगी? तुम्हारा ही घर है, आओ आओ। हाँ वो ऑफ कोर्स, ये तो मेरा ही घर है। अच्छा, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। अब तुम आ ही गए हो तो एक महीना यही रुकना। सुहाना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाली। सुहाना बड़ी मुश्किल से सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिली है। तुम्हारा हमेशा का है यार ये। तुम कभी मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। हाँ नहीं सोचता तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं हमारे बारे में सोचता हूँ। आज मेहनत करूंगा तो कल हमारी लाइफ बेहतर होगी। तुम्हें पता है मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ? अच्छा मेरी जान सॉरी, पर अब तुम्हें अकेला रहना नहीं पड़ेगा। वो कैसे? राधा बुआ को जानती हो? वो बनारस वाली? हाँ भाई, उनका बेटा आने वाला है, गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करेगा यहीं रहकर, और फिर तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अब ये सब किताबें छोड़ो, मेरा दिल तुम्हारे साथ लगता है। लव यू। और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। बैठो कबीर। वाह भैया, घर तो बड़ा मस्त बना है। ये सब तुम्हारी भाभी ने सजाया इस घर को। और गांव में सब ठीक है? सब बढ़िया। वैसे भाभी है कहाँ? बस आती ही होगी, देखो आ गई। ये लो पानी कबीर। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। आओ बैठो। और बुआ जी कैसी है? एकदम बढ़िया। अरे पूछ रही थी आपके बारे में। अच्छा, चलो भाई कबीर, ये लो आपका घर और ये आपकी भाभी। अब तुम दोनों जानो, अब मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ। तुम्हारे भैया को ना मिलने टाइम ही नहीं है, बस अपना काम काम और काम। मेरे और तो ध्यान ही नहीं है उनका। आ भैया, भाभी को नाराज कर रहे हो। क्या काम नहीं करूँ? करो, कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। पॉइंट नोटेड मैडम, लेट्स सी। वैसे भैया आप बहुत लकी हो। तो कैसे? अरे इतना अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ जो मिली आपको। वो तो है, चाह कर भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लो रोटी लो, ये लो, अरे लो नहीं, खाओ। नहीं, बस बस भाभी पेट फट जाएगा। खाओ, कुछ नहीं होगा। सुहाना, आजाद की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर से तुम्हारा तो ये हर बार का हो गया है। आज ही तो कबीर आया है। काम है ना, अर्जेंट काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। तुम ही बोलो, अब इनको समझाओ। भैया रुक जाओ ना, अभी तो आया हूँ। नहीं कबीर, अगर अर्जेंट काम नहीं होता ना तो जरूर रुक जाता, पर जाना बहुत जरूरी है। सुहाना, ए सुहाना, रहने दो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। कबीर अभी भी आया ना बनारस से? उसने अपना तो शहर भी नहीं देखा है,
तुम उसे अपना शहर दिखाना, ठीक है? और यूं वक्त निकल जाएगा जैसे तुम बोलो हुजूर। गुड। और कबीर, भाभी का ख्याल रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखना इसके चेहरे पे उदासी ना हो, अच्छा स्माइल दे दो, अब तो स्माइल दे दो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। तो क्या हुआ? शादीशुदा औरतें प्रेग्नेंट ही तो होती है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है,
आई थिंक ये हमारा बच्चा है, हमारा ही बच्चा है ये। एक सेकंड, तो तुम कहना चाहते हो कि ये बच्चा? हाँ, ये हमारा बच्चा है। शिट। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कल क्लिनिक चलते हैं और अबॉर्शन करवा लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम हमारे बच्चों को मारना चाहते हो? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? हाँ? अनुराग को पता चला हम दोनों को मार देगा, साथ ही साथ हमारे बच्चे को भी। I think हम इसे मार देना चाहिए। क्या? हाँ। पागल पागल हो गई हो क्या? और करे भी तो क्या? ये हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए सही रहेगा। जब अनुराग को दोनों की सच्चाई पता चली तो वो बिल्कुल टूट गया। फिर एक रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर गलती सुहाना की थी तो कसूरवार अनुराग भी था, जो एक नई नवेली शादीशुदा औरत को घर में अकेला छोड़कर महीनों घर से बाहर रहता था। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।